अभी मैं भूपेंद्र को देख पा रहा हूं। भूपेंद्र, अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने रानिप में वोट भी डाला, पर थोड़ा अभी सुस्त चल रहा है मतदान। वो कुछ तेजी आती दिखी है? अब 2 घंटे हो गए मतदान प्रक्रिया को शुरू हुए। देखिए संदीप जी, अभी सुबह का माहौल है, आंकड़े आए नहीं है। 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 4.5 से 5% मतदान हुआ है, और ये मतदान प्रक्रिया जिस तरह से पहले चरण में देखने को मिली थी थोड़ी सुस्त नजर आ रही है। लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं वहां लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। इस बात को लेकर कम उत्साह है कि आज उन्हें मतदान करना है, लेकिन इस बात को लेकर ज्यादा उत्साह था कि प्रधानमंत्री उनके बीच में आए थे। मेरे साथ जो लोग खड़े हैं ये तमाम वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए घंटों यहां पर कतार में खड़े हुए थे। और मैं इस समय जहां पर मौजूद हूं, मुझे बताया गया कि जिस सोसाइटी के लोग हैं वो तमाम लोग जो हैं वो वडनगर से ही ताल्लुक रखते हैं, तो लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले तो आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया या नहीं किया? मताधिकार सुबह में के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, उनकी उंगली बता रही है, और साथ में बच्ची है और उसने फ्लैग भी रखा हुआ है। क्या है आप, मतलब काफी देर से मैं देख रहा हूँ आप सब लोग एक तरफ से, मतलब जैसे कोई पनिशमेंट मिली हो या फिर कोई बहुत ज्यादा उत्साह हो, दोनों चीजें देखने को मिल रही है क्योंकि आप खड़े हैं घंटों से, क्या वजह? नरेंद्र भाई मोदी की झलक लेने के तो पनिशमेंट ही होती नहीं है, वो तो सब हमारा उत्साह भाजपा के लिए, जो हमारी जो वो है वो उनके लिए हमें घंटों से खड़े हुए हैं। उत्साहित है सब लोग, अपनी बच्चियों के साथ में लोग खड़े हैं। मैं देख रहा था आप अपनी बच्ची को उठा उठा के बार बार दिखाने की कोशिश कर। बस सुबह 7 बजे उठ गई, वो बोले मोदी को देखने का ही है, देखने का ही है। अच्छा, बच्ची ने बोला? हाँ बच्ची ने बोला। देखा बेटा मोदी को? यस। अच्छा, कैसे लगे आपको? अच्छा। अच्छे लगे? बहुत। आप भी खड़े थे बहुत? हाँ, आप भी अच्छे खड़े थे आप। वोट डाला कि नहीं डाला? हाँ वोट डाला। अभी नहीं डाला, अभी नहीं डाला। अभी वोट डालने जाएंगे। मोदी साहब गए हैं वोट डाल के, अभी उसके बाद हम जाएंगे। हम सब लोग मोदी साहब के गांव के ही है। सारे लोग वोट डालेंगे ना? हाँ सारे लोग डालेंगे। और आप सब लोग क्या मोदी साहब के गांव के? क्या बता रहे थे? एक ही है, कांग्रेस नहीं, आप नहीं, ओनली बीजेपी। उत्तर गुजरात के ही है हम, मोदी साहब। भूपेंद्र, आप ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे समूह में घुस गए हैं, वडनगर के हैं, प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम ये जो लोग हैं ये मोदी भक्तों की एक भीड़ है। कांग्रेस भक्त भी मिलेंगे, आम आदमी पार्टी के भक्त भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भक्ति नहीं, विश्लेषण और रिपोर्टिंग, वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो थोड़ा सा, मतलब जो सीधे सीधे समर्थक हैं उनसे नहीं, मुद्दों की हम बात करेंगे, किन मुद्दों पर गुजरात की जनता वोट कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।